हरियाणा में भी एक चैनल को खुलवाने के लिए सरकार खासकर मूलचंद शर्मा जी प्रयासरत है क्या? नहीं, मेरा मानना है कि राजस्थान का जो मेवात का इलाका है आज माइनिंग वहाँ ओपन, और मेवात का इलाका जो हरियाणा का है वहाँ माइनिंग बंद है। हम चाहते हैं कि दोनों की सीम मिली हुई है और दोनों का सीम पे विवाद भी रहता है कि कहीं हरियाणा में कहीं यूपी में इस तरह की माइनिंग के हमें बहुत तरह के रुकते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका से कहा है कि यहाँ पर ना तो पर्यावरण का इस तरह का है, ना कोई दूसरा कोई पर्यावरण को नुकसान होता है, जो राजस्थान में नहीं हो रहा था, हमारे इसमें भी कोई इस तरह की बात नहीं है। और जल्दी से जल्दी हम रखेंगे कि अपने हरियाणा में माइनिंग हो, और जितने रोड राजस्थान से चलते हैं जितना नुकसान रोडों का होता है, जितने एक्सीडेंट होते हैं उसका नुकसान होता है, अगर हरियाणा में माइनिंग मेवात के क्षेत्र में माइनिंग होती है, इससे रोडों का मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का काम मिलेगा। और जिस तरह से मेवात के राजस्थान का माइनिंग है, इस तरह की सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका मर्जी लगाएंगे कि हमारे जो जिस तरह की बेरोजगारी है इससे बेरोजगारी का लाभ मिलेगा, एक्सीडेंट में लाभ मिलेगा, तेल की बचत होगी, रोड कम टूटेंगे, और इससे आने वाले समय लोगों को सस्ता माल मिलेगा। इसकी हम वकालत करेंगे, आने वाले सुप्रीम कोर्ट में डेट आने वाली है, और इसके मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हरियाणा के पहाड़ को जल्दी लोगों को काम मिले।